विप्र धेनु सुर संत हिंद प्रभु लेंगे अवतार। वह चिर अभिलाषित क्षण आ गया है जिसके लिए करोड़ों सनातन धर्मियों ने 5 शताब्दी तक संघर्ष किया। बुधवार को जन्मभूमि पर बने नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में जब रामलला का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा तो अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व के सनातनियों का आह्वान नए शिखर को स्पर्श करेगा। श्री राम जन्मोत्सव के साथ रामनगरी आस्था का नया प्रतिमान गढ़ रही है। जन्म के बाद 12:16 पर रामलला का सूर्य तिलक भी होगा। इसके लिए परीक्षण सफल हो चुका है कि सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 12:16 के करीब 5 मिनट के लिए आए और आशीर्वाद प्राप्त करे, तो वह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। भीड़ के दबाव एवं कठिनाइयों की चिंता किए बिना मंदिरों एवं धर्मशालाओं में डेरा जमाए श्रद्धालुओं को श्री राम जन्म के मुहूर्त की प्रतीक्षा है। तड़के से सरयू स्नान का क्रम शुरू हो गया है। मध्यान्ह तक यह सिलसिला थमेगा तो मंदिरों में जन्मोत्सव की छटा बिखरेगी। 9 अप्रैल को बासंतिक नवरात्र के प्रारंभ के साथ ही राम जन्मोत्सव का उल्लास परिलक्षित होने लगा था, पर मंगलवार की शाम तक इसमें तीव्र वृद्धि हुई। राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी जैसे प्रमुख मंदिरों सहित पुण्य सलिला सरयू से जुड़ते मार्गों पर मंगलवार की प्रथम बेला से ही उल्लास का संचार हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से उमड़ रहे भक्तों की संख्या रामनवमी को किस गिनती को स्पर्श करेगी यह तो बुधवार को ही पता चलेगा, लेकिन मंदिर की साज सज्जा के बीच भक्तों का उल्लास अगणित है। अनुमान है कि 25 से 30 लाख भक्त रामनवमी को रामनगरी में रहेंगे। इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आस्था का आरोह 9 नवम्बर 2019 को ही प्रवर्तित हुआ है जब रामलला के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया।